विराट कोहली के शानदार शतक के बावजूद अगर आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई तो उसके पीछे जो शख्स जिम्मेदार है उसका नाम शुभमन गिल है। लेकिन शायद यही बात आरसीबी फैंस को अब नहीं पच रही है और उन्होंने शुभमन और उनकी बहन शालीन गिल को निशाने पर ले लिया है, हर हद पार कर दी है। मतलब शुभमन गिल को लेकर तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं गाड़ी की, काश जली हुई गाड़ी शुभमन की होती, उनकी बहन के रेट लगाए जा रहे हैं, भद्दी भद्दी घिनौनी घिनौनी गालियां जो हैं वो लेके उनको दी जा रही हैं। कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने विराट की तस्वीर लगा रखी है, उन्होंने शुभमन गिल की बहन शालीन की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर डाल दी आईडी के साथ और कहा कि अब आप लोग जानते हैं क्या करना है। उनके अकाउंट में हजारों ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें शुभमन गिल को गालियां दी गई हैं, शालीन को गालियां दी गई हैं, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ऐसी ऐसी बातें लिखी गई जिसे हम और आप नहीं बोल सकते। और यहां पर मन में सवाल आता है कि यार क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, आप कैसे ऐसा कह सकते हैं। हालांकि कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो उसमें विराट कोहली को भी निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो विराट कोहली जिन्होंने अनुष्का को लेकर तुरंत ट्वीट कर दिया था और शेम की बात कही थी, वो आज खामोश क्यों है। अगर वो छोटी छोटी बातों पर स्टोरी लगा लेते हैं या शमी के लिए स्टैंड लिया था तो वो शुभमन जो उन्हें आइडलाइज करते हैं उनकी बहन के बारे में जब ऐसा बोला जा रहा है तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने फैंस को वो कहें कि ऐसा ना करें, ये गलत है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी इसको मना विरोध किया है, बहुत सारे लोगों ने विरोध करे, लेकिन ये कौन लोग हैं, इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप इस ऐसे लोगों पर।